है सच्चा सूरवीर वो ही जो मारे या मरता है। कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है। मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए। मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति में डर जाए। राजन क्षमा, मगर कहता हूं कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। 1303 26 अगस्त का दिन, विश्व का इतिहास इस दिन को कभी भुला नहीं पाया। 16,000 रानियों ने, 16,000 योद्धानियों ने एक साथ अपने आप को हुतासन में आहुत किया, एक साथ अपने आप को अग्नि में सौंपा। बात कितनी थी, सिर्फ इतनी कि कोई दुश्मन उनके राज पर आक्रमण करने वाला है और वो नहीं चाहती कि उनका दुश्मन, उनके राज्य का दुश्मन उनके शरीर की उंगली का नाखून भी देखे। वाह वाह, क्या बात। ये भारतवर्ष की संतति है, ये भारतवर्ष की मनीषा है, ये भारतवर्ष की मातृशक्ति की गरिमा और गौरव है, जो कई वर्षों सौ वर्षों से पूर्व घटित होने वाली घटना आज भी आपका प्रेरणा स्रोत बनी है। कविता यहां से शुरू करना चाहता हूं कि खिलजी के द्वारा रतन सिंह को अगवा किया गया है मेवाड़ी सैनिकों ने, अपने राजा को छुड़ा के लाया गया है। ये रचना लिखने से पहले, क्योंकि दुर्भाग्य ये है कि हमें पढ़ाया ही नहीं जाता इतिहास हमारा, मुझे जितना गूगल से थोड़ी बहुत किताबों से इधर उधर से मिला, तो ये कहा गया कि मेवाड़ से रावण रतन सिंह को बंदी बनाकर ले जाया गया था दिल्ली। तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, थाल पूजा के बनोगे, आरती हो जाओगे, देश के इतिहास का यदि अंश भर जानोगे जब, बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे। अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी था, सिविल इंजीनियरिंग की मैंने 2014-15 में पास आउट किया और उसके बाद में राष्ट्र आह्वान का ये कार्यक्रम चुना। निवेदन करना चाहता हूँ, देश के इतिहास का यदि अंश भर जानोगे तब, बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे। कहा गया कि रावण रतन सिंह को दिल्ली ले जाया गया कितने पर, कि ऐसा नहीं था। मेवाड़ महाराज श्री जी अरविंद सिंह जी ने मुझे अपने मेवाड़ में आमंत्रित किया और उन्होंने, राजपूतों में बड़ी क्वालिटी होती है, अच्छी बात यह है कि वहाँ वंशावली लिखी जाती है, उससे उन्होंने बताया कि दिल्ली नहीं ले जाया गया था, चित्तौड़ के किले के ठीक सामने जहाँ पर खिलजी का सामियाना उसने लगा रखा था, डेरा डाल रखा था, वहीं पर उनको बंदी बनाया गया, वहीं से उनको छुड़ा के लाया गया। रचना निवेदन करना चाहता हूँ कि रतन सिंह आज़ाद हुए तो खिलजी खिसे आया था। रतन सिंह आज़ाद हुए तो खिलजी खिसे आया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो तिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे, बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो इधर नगाड़े बजे उधर दिल्ली में मातम छाया, और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में छलाया, बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे को अब नहीं दिखाना, दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुक्की खाई, वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार ना खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा, घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा, हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो, पूछ करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो, बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तो खाना, वीरों सेना जीत सको तो छुप कर तीर चलाना, दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम, भनक ना हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में, एक मुस्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह पर एक फरमान सुनाया, बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे गिर जाओ,
मेवाड़ी पान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो भी सैनिक पड़े सभी का सहसा मन बुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी, वक्त अभी झुकने का है मेरे आका झुक जाओ। सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक। मैं ढूंढता हूं ऐसे वीरों को तो छोड़ दो, ऐसी चेतना के लोगों को जो ये सोचते भी हो कि मुझे ये करना है। अगर कभी भारतवर्ष की गरिमा गौरव दिव्यता पवित्रता पर कभी आ जाए तो हम ये कर देंगे। मैं ऐसी चेतना के लोगों को ढूंढ रहा हूं, निवेदन करना चाहता हूं, वक्त अभी झुकने का है मेरे आका झुक जाओ। सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। और इस पर गर्व करना कि चित्तौड़ दुर्गों का राजा खामोश इसलिए मत रहना कि मध्य प्रदेश में सुना रहा हूं, इस क्षेत्रवाद से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। वो राजस्थान जिसके नाम से हिंदुस्तान है, चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर से ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई, लंबाई से भी विशाल थी रावण की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता, किला भेद लेने वाली पर नित्य नीतियां करता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना, 8 माह तक नित्य छानती रही खिलजिया सैन्य। दीवार दुर्ग की ददक रही थी दंगल के जंगल में, कविता में उपमेय उपमा अलंकार को ढूंढने वाले लोग इसमें। दीवार दुर्ग की ददक रही थी दंगल के जंगल में, और दुष्ट दारुण दुख पाते मेवाड़ी मंगल में, जिधर देखते थे केवल बस रेत दिखाई पड़ता, सन्मुख किला किले सन्मुख रणखेत दिखाई पड़ता। सुनो सहस्त्रो शंकर का सम्मान किले के ऊपर, और एकलिंग महादेव वरदान किले के ऊपर, किला किलेश्वर क्या कमाल था कुशल कमाल वही था, किला किला था केवल किला किले का नाम नहीं था। तो गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले, बोले हुकुम किले के बाहर काले घन छाए हैं, खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ आए हैं, खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से, उस रोज खबरिए रतन सिंह के उतरी नहीं गले से, थे महान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी, उस दिन रावल को गोरा बादल की कमी खली थी। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, एक आरोप लगा इतिहास में कि कैद कर लिया दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए, बिना नेतृत्व की सेना बिना राजा की सेना किले से बाहर निकलकर अपने राजा को छोड़कर वापस किले में जा सकती है, वो 8 महीने दुश्मन को छाती पे बर्दाश्त नहीं करेगी, अगले ही दिन किले से बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में दे देगी। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गई थी, इतिहास पढ़िए थोड़ा मनन करिए, ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गई थी, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से चुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं मुगल शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रत्ता हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपूताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल के तरकश में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुदार नहीं थी। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। क्या कहना पर्वत का विद्वान सुने इसको, केवल एक यही भय था, आधे घंटे लेट घर चले जाओगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं फिर पता नहीं कब आऊंगा, मैं आपके लिए दुखी नहीं हूं, मैं अपने लिए दुखी हूं, मुझे ये सब कहने का अवसर दोबारा पता नहीं कितने वर्षों बाद मिले। निवेदन कर रहा हूं, स्वागत स्वागत निवेदन कर रहा हूं। हां ऐसा नहीं कि रावण की तरह
भीष्म तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि बेबाड़ी मिट्टी खुदार नहीं थी, केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में शौर्य की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती है, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर है भारत के रहने वाले, भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं लड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। क्या बात है, क्या बात है। सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे भारतीय और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है रावल, देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए देर मत करना, है सच्चा सूरवीर मोही। कोरोना काल के भयानक दौर में इन पंक्तियों को प्रेरणा बनाइए, है सच्चा सूरवीर मोही, जो मारे या मरता है पढ़ाई में मन नहीं लगता, है सच्चा सूरवीर मोही, जो मारे या मरता है। कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं डरता है, मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति में डर जाए। राजन क्षमा, मगर कहता हूं कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। था कि तलवार समर में चमत्कार करती है, तो मौत खड़ी होकर फिर उसका इंतजार करती है। क्या कहना वाह वाह, कैसे बनेगा देश, पहले कफन बांध लो सर पे, फिर भगवा बनवाओ इस जीवन की महाकाल को, अंतिम भेद कहो, अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में भार झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार एक दूजे को दे लो आज बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। सब कुछ अंत हुआ है पर उसको अनंत कर डाला, पाषाणी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला, मेवाड़ी दल संख्या में कम किंतु हौसले बाली, मेवाड़ी दल संख्या में कम किंतु हौसले बाली, एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी, पुरुषों ने तो कफन और केसरिया संग बनाया, उधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया, ठाकुर ठाकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। सर पे जूता रखवाकर 100 वर्ष जीने से अच्छा है एक दिन जिंदा रह जाए। थार में थार के प्रतिकूल बनना, धार में धार के प्रतिकूल बनना, सफलता के लिए अनुकूल बनना, जूतियों में जड़े हीरे से अच्छा शीश पर चढ़ सके वह धूल बनना। अंतिम पंक्तियां पर के अपना स्थान ले लेना चाहता हूं, सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला, ठाकुर ठाकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे हैं, एक दूसरे के मरने की आज्ञा मांग रहे हैं, अब तक
स्वाभिमान की एक कथा रणमध्य गढ़ी जाती है। दो युद्ध चल रहे हैं, एक किले के बाहर एक किले के अंदर। मैं रचना को छोटा सा थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा खंडकाव्य तक की यात्रा है, फिर कभी व्यवस्थाएं मिलेंगी तब देखेंगे। ये अंतिम माता पद्मावती पद्मावती के हिस्से का थोड़ा सा योगेगा, दो मिनट और मैं अपने स्थान पर जाऊंगा, निवेदन कर रहा। स्वाभिमान की एक कथा रणमध्य गढ़ी जाती है, उधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। क्या कहना, क्या कहना? शाका इधर उधर जौहर, क्या तालमेल अलबेला। मातृभूमि के लिया लिखे लिए दिखाया गया खेल अलबेला। स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, तो लगी भवानी जब पहने थे लाल रंग के जोड़े। लाल रंग के जोड़ों संग सारे श्रृंगार किए थे, वो सारे श्रृंगार मात ने अंतिम बार किए थे। कल्पना करिए, किसी महिला को अपने जीवन में अंतिम बार तैयार होने का अवसर मिल रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बार मेरे सामने बैठी मात्र शक्ति अपने श्रृंगारों का उपमा ये भी हो सकती है, सुने। लाल रंग के जोड़े, लाल रंग के जोड़ों संग सारे श्रृंगार किए थे, वो सारे श्रृंगार मात ने अंतिम बार किए थे। पहला श्रृंगार, विदा कर देना मुझे, पहला श्रृंगार भाल पर माने जब बिंदी को धारा, ऐसा लगा मात ने मस्तक पर दिनकर अवतारा। दूजा श्रृंगार आंख में जब काजल की धार लगाई, अश्रु छलक ना पड़े तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई। तीजा श्रृंगार होठ पर माने लाली को लगवाया, अंगारों से अदर हो गए अग्निकुंड दहकाया। चौथा श्रृंगार मात पद्मिनी का आज विश्व ने देखा, जब माने माथे पर डाली स्वाभिमान की रेखा। क्या बात है, श्रृंगार पांचवा हाथों की मेहंदी से बोल रहा था, स्वाभिमान का रंग नई पीढ़ी में बोल रहा था। छठवां श्रृंगार कर्ण कुंडल मनवाने लटक रहे थे, जैसे कोई देशभक्त दीवाने लटक रहे थे। श्रृंगार सातवां नकली क्या मर्यादा धार रही थी, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही थी। श्रृंगार आठवां स्वाभिमान की रेखा ढांक रहा था और मर्यादा के दर्शन को बाहर झांक रहा था। तो चली कुंड की ओम कंचनी काया को दमकाने, चली कुंड की ओर कंचनी काया को दमकाने। कुहिल वंश के शुप्त हुए सूरज को अमर बनाने, चली कटारी आज बड़ी तलवारों से टकराने। खिलजी विलजी क्या पूरी दुनिया के होश उड़ाने, चली आज अंतिम पद को दर्शन का धाम बनाने। चली मातृभूमि को प्राणों की माला पहनाने। अब तक रण में राजपूतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं बुलाया जा सकता जौहर का लेखा। नहीं बुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं बुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं बुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं बुलाई जा सकती वह दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वह गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी।